अनुकूलता और प्रतिकूलता को त्याग करने की सामर्थ्य सिर्फ उसी की है जिसने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे संसार दुखालय से मुक्त होना है। वही सुख और दुख को सह सकता है। अन्यथा जहां अनुकूलता और सुख मिला तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, लेकिन जब प्रतिकूलता विपत्ति दुख अपमान निंदा ये मिले तब हमारा मन कहता है हम भगवान पर अब श्रद्धा नहीं करते। वो भक्त नहीं है। अपने प्यारे को जीवन समर्पित कर दिया, अब सुख मिले या दुख उसकी परवाह नहीं, अब तो आपसे प्रेम करके ही रहेंगे। प्रेमी वही है जो सुख और दुख की परवाह न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो जहां भगवान के मार्ग में चलते हैं तो माया दो प्रकार से रोकती है, एक तो इतनी अनुकूलता दे देगी भगवान को भूल जाओ, या इतनी विपत्ति दे देगी कि आपको भगवान पे संशय हो जाए कि भगवान है भी कि नहीं है। वही जो सत्संगी है, वही जो नाम जापक है, उसका ज्ञान उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, वो इन दोनों से बच सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख को समान भाव से सहकर जो निरंतर नाम रखता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सब राधा राधा।